नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें देख रहे होंगे कि बिहार में एक एक करके कई पुल गिर गए, धस गए, गिर गए, कई आधा दर्जन शायद हो चुका है पिछले 10-12 दिनों में, आधा दर्जन यानी औसतन शायद हर दो दिन में एक पुल गिरा है, धंसा है, ऐसा हुआ है बिहार में। पता नहीं क्या हुआ है। किसी ने कहा, लिखा है कि ताश के पत्तों से बने पुल की तरह ढह गए बिहार के पुल। मुझको लगता है कि ताश के पत्तों की तरह बने हुए पुल अगर ढह रहे हैं, आपने ताश के पत्तों का देखा है ना, जो ढांचा बनाते हैं, महल जैसा बनाते हैं, ताश के पत्ते खड़े कर करके ऐसे, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर खड़े करते हैं, ऐसा पिरामिड जैसा। मुझको लगता है कि ताश के पत्ते बनाने वाली कंपनियों को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि इतने कमज़ोर पत्ते कैसे बना रहे हो, ये पुल गिर जा रहे हैं, मजबूत पत्ते बनाया करो, ज़रा ताश के पत्ते मजबूत बनाया करो, जगह जगह पुल गिर जा रहे हैं। मैं एक दो लतीफ़े भी पढ़ रहा था कि लोग पुल के ऊपर से निकलने में डरने लगे हैं वहाँ पे, कि इससे अच्छा तैर के पार कर लें, शायद जिंदा पहुँच जाएं, नाव से पार कर लें, उधर जाके फिर बस पे चढ़ जाएंगे, कई तरह का हो रहा है। एक दिल्ली एयरपोर्ट पे कई जगह, जबलपुर, दिल्ली, 3-4-5 एयरपोर्ट ऐसे हो गए हैं जहाँ पर स्ट्रक्चर गिर गया। दिल्ली की तो तस्वीर भयानक थी, एक गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके ऊपर एयरपोर्ट का ढांचा, लोहे का मोटा पाइप ऐसा गिरा कि वो बैठे बैठे उसी कार की सीट पर दब कर मर गया। भयानक था, यानी जिस दिल्ली को ये शोहरत हासिल है कि दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का एयरपोर्ट वहाँ पर है, इतनी भीड़ है, ताश के पत्ते जैसा दिल्ली एयरपोर्ट का ढांचा भी गिर गया। किसने बनाया मैं नहीं जानता, जबलपुर एयरपोर्ट है, दूसरे 5-6 एयरपोर्ट पे ऐसा हाल हुआ है। अभी एक किसी ने लतीफा या कार्टून पोस्ट किया है कि फोन लगा के पूछ रहे हैं, आप एयरपोर्ट के बजाय किसी और जगह से मुझको चढ़ा सकते हो क्या, जैसे बस में होता है ना, बस स्टैंड से बस निकल जाती है, लोग कहते हैं कि मैं उस चौराहे पर चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी, ऐसा लोग एयरपोर्ट पे जाने से डर रहे हैं, ऐसा एक लतीफा छपा है। अब मैं देख रहा हूँ कि पुल बिहार के आधा दर्जन हो चुके हैं 18 जून से अभी तक, एयरपोर्ट ये भी शायद 4-5-6 हो चुके हैं, जहाँ जहाँ कुछ गिरा है, फटा है ढांचा, पानी तो अनगिनत जगह भर गया है, कई जगह एयरपोर्ट में ऐसा पानी भीतर है जैसा कि म्यूनिसिपल की सड़कों पे नहीं रहता। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता कि वो एयरपोर्ट निजीकरण में किसको मिले हैं, क्या है, मेरे ऊपर फालतू तोहमत लगेगी मैं किसी कंपनी के खिलाफ बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही ढूंढिए जिस एयरपोर्ट के बदहाली हो रही है वो एयरपोर्ट कौन कंपनी चला रही है। पिछले कई महीनों में लगातार एयरपोर्ट पे कहीं पानी भर गया, धार लगी हुई है छत से, बहुत किस्म की बदहाली आपको देखने मिली है हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर। कल ही मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक रेलवे स्टेशन पर, बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर पानी की ऐसी धार लगी थी, प्लेटफार्म पर लंबी चौड़ी ऐसी धार लगी थी कि कोई जलप्रपात हो। मैं नहीं जानता कि रेलवे का है कि निजीकरण में किसी, कोई उसका मालिक कोई और बन बैठा है, कौन कर रहा है। इसके बीच में उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक खबर आई है कि एक रिहायशी कॉलोनी है, उसके बीच में पानी की एक टंकी 6 करोड़ रुपए में 3 साल पहले बनी थी, 3 साल पहले 6 करोड़ रुपए में बनी हुई पानी की टंकी, पूरी की पूरी टंकी गिर के बिछ गई पूरी। पानी की टंकी ऊंची रहती है, उतने ऊपर से पूरा ढांचा गिर के पूरा बिखर गया है पूरा। 2 लोग मर गए हैं, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ
आर्मी के लोग भी शायद बचाव में लगे हुए हैं, 6 JCB मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है कि कितने लोग और दबे हैं, बच्चे वगैरह भी आसपास खेल रहे थे। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में रेलवे स्टेशन, रेलवे के पुल, पानी की टंकियां अंग्रेजों के समय बने हुए चल रहे हैं, अंग्रेजों के समय के बहुत सारे यानी सैकड़ों रेलवे पुल ऐसे होंगे, सड़क के पुल ऐसे होंगे जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है उनका। ये 3 साल पहले की बनी हुई टंकी थी। मेरे ख्याल से हेमा मालिनी यहाँ की सांसद हैं लगातार। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है, अगर मेरी जानकारी सही है तो, जहाँ पर पिछले बहुत साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। सन्यासी आदमी है, क्या रुपया पैसा कमाते होंगे, किसके लिए कमाएंगे, कपड़ों में शायद जेब वेब भी नहीं रहती होगी। ऐसे मुख्यमंत्री के राज में बनी हुई टंकी, और ये सरकारी टंकी है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, ये सरकारी संस्था ही दिख रही है। 2.5 लाख लीटर की टंकी थी, इसको गंगा जल पेयजल परियोजना के तहत बनाया गया था, जल निगम ने बनवाया था, नाम गंगा जल है। मैं उसको लगता है कुछ तो गंगा जल को लेकर कुछ तो ईमानदारी रहनी चाहिए थी लोगों में। एक योगी सन्यासी मुख्यमंत्री है, उनकी वजह से भी कुछ ईमानदारी रहनी चाहिए थी वहाँ पे। कोई बिजली गिरने से टंकी गिरी हो ऐसा नहीं हुआ है। हेमा मालिनी वहाँ की सांसद हैं, बहुत संपन्न हैं अपने खुद के दम पर। मुझको नहीं लगता कि सांसद लोग कई तरह के कंस्ट्रक्शन में, ठेकों में जैसी दिलचस्पी लेते हैं, जायज ना जायज ऐसी कोई हेमा मालिनी की रही होगी, मुझको नहीं लगता है। बिहार में आधा दर्जन पुल धंस गए हैं, गिर गए हैं। जहाँ तक मुझको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी सरकार को सुशासन के लिए स्थापित करना चाहते हैं, उसकी छवि को, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू ऐसा लिखा जाता है, तो मुझको लगता है कि वहाँ भी भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, क्यों सरकारी निर्माण ऐसे गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह, क्यों ऐसा हो रहा है? कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि किसी एक प्रदेश में कोई पुल गिर गया, कुछ हो गया, तो किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने यह कहा कि नेता अपशकुनी है, इसके कारण ऐसा हुआ है। मैं नहीं जानता कोई व्यक्ति अपशकुनी होते हैं कि नहीं होते हैं। एक वक्त तो ये भी चर्चा रहती थी कि बड़े पुल बन रहे हैं तो वहाँ पर नर बलि दी जाती थी, महिलाओं की तो बलि देते नहीं हैं, उनको अशुद्ध मानते हैं, तो नर बलि दी जाती थी, ऐसा चर्चा थी अंग्रेजों के समय। अभी दी जाती है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। और क्या अपशकुन होगा किसी नेता का, किसी नेता की वजह से अपशकुन हो गया, पुल गिर गए, दरार पड़ गई, ऐसा भी कहा जाता है। एक दूसरा अलग खबर मुझको याद पड़ती है, मोदी जी ने कुछ अरसा पहले कहा था एक कहीं भाषण देते हुए कि मुझको जहाँ जिस प्रोजेक्ट का पता लगाना रहता है कि काम कैसे चल रहा है, मैं जा तो नहीं सकता सब जगह, प्रधानमंत्री हैं जाहिर है, सही कहा उन्होंने, हर जगह जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ के प्रोजेक्ट का पता लगाना रहता है मैं ड्रोन भेज देता हूँ, ड्रोन पूरा फोटो वीडियो सब लेके आ जाता है, मुझको पता लग जाता है काम कैसा चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ड्रोन मथुरा में गया था कि नहीं गया था, ये सारे एयरपोर्ट्स पे गया था कि नहीं, सरकारी ड्रोन है उसको तो एयरपोर्ट पे कोई रोक टोक भी नहीं होना चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री का भेजा हुआ ड्रोन। बिहार में जो आधा दर्जन पुल धंस गए हैं, बह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं,
तरह तरह की तस्वीरें आपको देखने मिली होंगी पिछले दिनों में, वहाँ पे ड्रोन गया था कि नहीं गया था। मैं अपशकुन वगैरह पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि उनका ड्रोन जो है वो सोते भी रहते होंगे, उतनी देर भी उनका ड्रोन कई जगह प्रोजेक्ट देख के आ जाता होगा काम कैसा चल रहा है। सैकड़ों हजारों ड्रोन लगाए जा सकते हैं और उनसे चुनिंदा चीज़ों को नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा जा सकता है। पता नहीं ये बिहार के इतने पुलों की जानकारी उनको थी कि नहीं कि ये कमज़ोर बन रहे हैं, मथुरा की टंकी, इतने एयरपोर्ट, और भी कोई। अभी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, उस पुल पे तरह तरह की दरारें पड़ रही, शायद मुंबई का पुल है क्या, अटल जी के नाम पर कोई है, उस पर दरारें पड़ रही हैं, ऐसा कुछ है। क्यों होता है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन ऐसा? और मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने के लिए जो सड़कें वगैरह बनी हैं, आपको ध्यान है ना अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कुछ महीने पहले, चुनाव के कुछ हफ्ते पहले, उसमें 10-12 जगह या 13 जगह सड़क धस गई है, बड़ी बड़ी धस गई है ना, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल निकलते रहता तो पूरे ही चले गया रहता, सीधा राम जी के पास चले जाता। इतनी जगह ऐसा हुआ है। अभी सरकार ने कुछ, यूपी गवर्नमेंट ने कोई जांच चालू की है अयोध्या और रामलला के मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो और कुछ भी नहीं था, वहाँ के निर्माण में ये हुआ। मैं तो मानता हूँ कि किसी ठेकेदार ने बेईमानी नहीं की होगी, सरकार में किसी ने पैसा नहीं खाया होगा, क्योंकि राम का मामला था, कौन नर्क जाना चाहेगा। 13 जगह शायद गड्ढे हो गए हैं, धस गई है सड़क, धस गई है, भयानक है वो, आप गाड़ी लेके निकल ही नहीं सकते। मुझको राहत यही लग रही है कि मैं वहाँ अपनी गाड़ी लेकर गया हुआ नहीं था, नहीं तो 2-3 गड्ढों के बीच गाड़ी फंसे रहती है अगर गड्ढे में नहीं जा चुकी रहती तो। क्यों हो रहा है सरकारी कामकाज का इतना बुरा हाल? ये तो सब प्रतिष्ठित इलाके हैं। यूपी जिसको मैं मान के चलता हूँ कि एक योगी उसको चला रहे हैं, पैसा क्या घर ले जाएंगे अपने, उनके पास तो मठ की संपत्ति वैसे भी बहुत होगी, खर्चा कुछ भी नहीं होगा। क्यों होना चाहिए वहाँ उसी यूपी में अयोध्या में रामलला के मंदिर में जाने वाली सड़क जो है पूरी 13 जगह गड्ढे हो गए, गड्ढे ने कोई ऐसा पॉट होल नहीं कि स्कूटर कूद कूद के जाए, बड़े बड़े गड्ढे जिसमें पूरा सांड समा जाए, पूरी गाय समा जाए, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। क्या जवाब है इसका? वहाँ तो रामलला का मंदिर जो है, कोई ऐसा कह रहा था कि मंदिर पूरा बना नहीं था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई थी, कोई शंकराचार्य वगैरह कोई ये भी कह रहे थे कि ये अशुभ है, मंदिर पूरा बनने के पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी, हड़बड़ी में बन रहा था पूरा, क्योंकि तारीख तय हो गई थी, इस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या ऐसी ही तारीख तय करके वो सड़क बना दी गई थी जिसके कारण ऐसा हुआ था? फिर भी ड्रोन तो जाके देख सकता था ठीक बन रही है कि नहीं, मंदिर ठीक हो सकता है, देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो देखा होगा। क्यों ऐसा हुआ? जनता मर रही है, कहीं डूब जाएगी, कहीं कुछ होगा। सड़कें जो मुंबई में बड़ा सा पुल बना है जिसमें अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ियां चल सकती हैं, वहां पे अगर पूरे क्रैक डेवलप हो गए हैं, आपको ध्यान है मैं जहां पे हूं, जहां से बात कर रहा हूं, यहां से 1.25 किलोमीटर दूर ही है, एक्सप्रेस हाईवे नाम से बना था, रमन सिंह की सरकार थी यहां पर, बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय, बना था। बगल से निकलते हुए मुझको लगता था कि जो पुल बना है उसका पेट फूल रहा है, ओवरब्रिज जो बन रहा है उसमें जमीन का हिस्सा जो रहता है उसका पेट फूल रहा है, ऐसा लगता था। बाद में कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुए तो कांग्रेस की जो सरकार बाद में आई
उसने साल दो साल तो उस पुल को रिपेयर ही करवाया, पूरे ब्रिज को, सड़क को, अप्रोच रोड को, पता नहीं कितने समय बाद, ये आखिरी आखिरी में शायद सरकार का कार्यकाल पूरा होने के कुछ महीने पहले ही वो चालू हो पाया। चार पांच साल तक सुधार चलते रहा उसका, जितना समय में बना होगा उतने ही समय सुधार चलते रहा। क्यों ऐसा होता है सरकारी कामकाज का हाल? एक स्कूल का मैं देख रहा था फोटो, हमारे बगल का कहीं धमतरी का था शायद, माँ बाप बच्चों के प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के बाहर, छत गिर रही है स्कूल की। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार का है, वहाँ भी ऐसी छत गिर रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज के भीतर बाथरूम की छत गिर रही है, दूसरे जगह की छत गिर रही है, कॉलेज के पास पैसा भी पड़ा हुआ है, राजधानी में बैठे अफसरों ने मरम्मत करने की मंजूरी नहीं दी है, पैसा पड़ा हुआ है कॉलेज के पास, कंसल्टेंसी करता है कॉलेज, दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट को जांचता है, उसका पैसा मिलता है, पैसा पड़ा है लेकिन खर्च करने की इजाज़त नहीं मिली, मरम्मत की इजाज़त नहीं मिली। तो सरकार का निर्माण जो है उसमें तरह तरह का भ्रष्टाचार है, तरह तरह का बुरा हाल है चारों तरफ। अब मैं तो नहीं जानता, ये उत्तर प्रदेश में योगी जो हैं, मुझको तो बहुत साल से ये दिख रहे हैं, दूसरा कार्यकाल है इनका, तीसरा कार्यकाल है, बहुत समय से हैं ये वहाँ पे। बिहार में नीतीश कुमार कितना 15-20 साल से हैं, मैं ज़्यादा रिसर्च करके यहाँ नहीं आता हूँ, कभी वो लालू के साथ रहते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, फिर लालू के साथ चले जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लोग अभी उनका सबसे बड़ा, यानी नीतीश कुमार नाम की सर्कस का एक सबसे बड़ी कलाबाजी दिल्ली में देखने की उम्मीद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना किस तरह की कलाबाजी की लोग उम्मीद कर रहे हैं? मैं उतनी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन कर रहे हैं लोग। तो ये नीतीश कुमार कोई बिहार का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं देख पाए, सब उनको भी ड्रोन वगैरह रखना चाहिए था, भेज देते, देख के आके सीएम हाउस में उतर के ड्रोन बता देता, वहाँ पुल में सड़क खराब लग रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। सरकार का निर्माण जो है मोटा कमीशन चलता है, मोटी रिश्वत चलती है, सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट तय हो जाता है कि कितना फीसदी कमीशन कहाँ पे लिया जाएगा, रिश्वत कैसे ली जाएगी, यही नतीजा है कि ये सब गिर रहे हैं ढांचे। वरना इंजीनियरिंग की भाषा में अगर मैं कहूँ तो सरकारी निर्माण कार्य में डिजाइन करने वाले, बिल्डिंग डिजाइन करने वाले लोग जो सुरक्षा की मार्जिन रखते हैं, वो सरकारी निर्माण कार्य में 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक सुरक्षा की मार्जिन रखते हैं। जितना मजबूत बनना चाहिए उससे 4 गुना मजबूत डिजाइन बना देते हैं। उनको मालूम है कि 1 गुना नेताओं के पास चले जाएगा, 1 गुना अफसरों के पास चले जाएगा, 1 गुना ठेकेदार अपने घर ले जाएगा, तो कम से कम कुछ तो लगे ढांचे में, कुछ तो लगे। बहुत खराब हालत है, आप जिस प्रदेश में भी इसको देख रहे हैं, जिस म्यूनिसिपल इलाके में देख रहे हैं, आप सोच के चलिए। मुझको ध्यान पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त, पीडब्ल्यूडी के काम देखने के लिए यहाँ पर नितिन गडकरी को बुलाया गया था, उनकी बड़ी शोहरत थी कि बड़े तेजी से काम करवाते हैं, वो करवाते होंगे जरूर। उन्होंने यहाँ आकर सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी के अफसरों की बैठक ली थी, मंत्री भी मौजूद थे यहाँ के, उसमें उन्होंने इशारे इशारे में कहा था पैसा वैसा खाना है ठीक है, लेकिन काम कम से कम अच्छा करो। पहला मौका था किसी मंत्री ने खुलकर कहा, बंद कमरे की बैठक में कहा, खुलकर कहा पैसा वैसा खाना ठीक है, जो आपका चलता है वो चलते रहे, लेकिन बाकी का काम अच्छा करवाओ। मैं वही सोचता हूँ, जो भी प्रदेश हो, जैसा भी हो,
अंग्रेजों के समय में शायद ऐसी ऐसी कमीशनखोरी, ऐसी रिश्वत नहीं चलती होगी, इसलिए उनके पुल आज भी चल रहे हैं और यहाँ बिहार के पुल बन भी नहीं पा रहे हैं, बनते बनते गिर जा रहे हैं। सोच के देखिएगा, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिश्वत खाना तो चलते रहेगा, लेकिन कम से कम जहाँ जनता की ज़िंदगी जुड़ी है वहाँ कुछ तो पक्का कंस्ट्रक्शन करें, कुछ तो मजबूत करें। जो जिम्मेदार है नेता और अफसर, उनके भी अपने तो बच्चे हैं। चलिए, मेरी ये बात आपको अगर ठीक लगी होगी तो हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल जो है इंडिया आजकल इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक दूसरे लोगों को भेजिएगा, उनका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करिएगा। निजी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरती है, क्यों केवल सरकारी बिल्डिंग गिरती है? सरकारी टंकी, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी एयरपोर्ट, सरकारी रेलवे स्टेशन, क्यों ऐसा होता है? चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। जितना शौक आपको इन चीज़ों को खाने का है, उतना ही शौक कैंसर को भी आपके जैसे लोगों को खाने का है। और कैंसर छोड़ता नहीं है किसी को, पूरे के पूरे परिवार को खा जाता है, पूरा परिवार बिक जाता है। बेवक्त घर के लोग मारे जाते हैं, पूरा परिवार अस्पताल में पड़े रहता है। ऐसा शौक मत पालिए। फिर मिलेंगे।